पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद द्वारा प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को दिया गया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद की टीम ने दीवान का बाजार मुरादाबाद स्थित सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता राशन डीलर रमेश खन्ना की दो दुकानों पर औचक निरीक्षण किया है, तो उक्त राशन डीलर द्वारा राशन वितरण प्रणाली में की जा रही अनियमितता और घोटाले कर पात्र लाभार्थियों को जानबूझकर नुकसान किए जा रहे हैं। शोषण के साथ ये सरकारी धन से गबन करने की स्थिति साफ हुई है। ये सिलसिला प्रशासन की नजरों के सामने पिछले कई सालों से चल रहा है। पीड़ितों का कहना है कि शासन व प्रशासन से शिकायत किए जाने के बावजूद लगातार शोषण का शिकार है कि उसके विरोध कोई कार्रवाई न होने से जनता की निगाहों में शासन और प्रशासन की छवि धुंधली हो रही है तथा जनता का विश्वास सरकार से उठता जा रहा है। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद प्रशासन से मांग करता है कि राशन डीलर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए एवं राशन डीलर रमेश खन्ना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं बात करते हुए केएल चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद को क्षेत्रीय लोगों द्वारा लगातार राशन डीलर रमेश खन्ना की लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए जब राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद की टीम मौके पर पहुंची तो पता लगा कि जो राशन डीलर है वह बगैर मशीन से राशन वितरित कर रहा है, जिसका वीडियो राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बनाया गया और जब इस बारे में उससे पूछताछ की गई तो राशन डीलर साहब इनकार करते हुए साफ नजर आए। इसी को लेकर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद ने एक शिकायती पत्र ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा और दुकान को निरस्त करने को कहा। राशन डीलर रमेश खन्ना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। केएल चौधरी, महानगर अध्यक्ष हूं मैं राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद से। किन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है? आज ये राशन डीलर के खिलाफ दिया जा रहा है ज्ञापन, क्योंकि उसमें बहुत कमियां पाई गई। जब हमने औचक निरीक्षण की हमारी टीम ने करा, 6 तारीख को राशन वितरण कर रहा था मगर उसके पास कोई मशीन नहीं थी और ना ही पर्चियां वगैरह उसकी निकली हुई थी, तो हमने यहाँ औचक निरीक्षण किया तो उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई और ये भी पाया गया कि वो महिलाओं से गाली गलौज करता है और बदतमीजी करता है। साथ ही 2 दिन पहले घर में बुलाकर वो महिलाओं और बच्चियों से अंगूठे लगवाता है और उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है, जिसको लेकर के हमें लगातार शिकायतें मिल रही थी। परिषद ने 6 तारीख को औचक निरीक्षण किया और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। यूनिट से कम देता है, पता चला कि किसी के 25 किलो है तो उसको 21 किलो देता है, किसी का 35 किलो है तो उसे 30 किलो देता है। ये हमने मौके पर उसको देखा और वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग करी है। आज हम यहाँ DM साहब से मांग करते हैं कि उसका तत्काल लाइसेंस जो है निरस्त करा जाए और उसको सरकारी गमन करने पर जो खाद्य सुरक्षा गमन की है उसने, उसको सजा मिले और गिरफ्तार करके जेल जाया जाए।